सत्य अहिंसा भाईचारा यही धर्म बनाते हैं, लेकिन बेरी समय से ना प्रेम प्रीत की भाषा को मेरे कानों को दमकाने भगत सिंह बन जाते हैं। मेरे कानों को दमकाने भगत सिंह बन जाते हैं। मंच से प्रेम की बात हुई साहेब, प्रेम अद्भुत विषय है, प्रेम अमर विषय है, लेकिन प्रेम में यदि विसंगतियां उत्पन्न हो जाए तो प्रेम तो प्रेम प्रेम नहीं रहता है। मैं चार पंक्तियां प्रेम प्रेम से ही आरंभ करता हूं। मैंने कहीं लिखा कि प्रेमियों की भूमि है ये भारती वसुंधरा, कई सारे प्रेमियों के नाम में ले जाएंगे, जब भी चलेगी कई बात पर भानुजा की बांसुरी बजाते हुए श्याम में ले जाएंगे, और देख लोगे प्रेम तप पार्वती का अनिल प्रेमी चरणों में चारों धाम में ले जाएंगे, और चीर के दिखा दे पक्षी यदि पीर बजरंग तुमको समक्ष सिया राम में ले जाएंगे। चीर के दिखा दे पक्षी यदि पीर बजरंग तुमको समक्ष सिया राम में ले जाएंगे। और मैंने लिखा प्रेम के लिए कि लेखनी चलाने वाले हृदय की वेदनाओं भाव लिपिबद्ध कर छंद बना देते हैं, लेखनी चलाने वाले हृदय की वेदनाओं भाव लिपिबद्ध कर छंद बना देते हैं, और बातों से ही बात नहीं बनती है बात वीर, प्रेम वाली बातों को ही द्वंद बना देते हैं, केवल दिखावा मात्र प्रेम होता नहीं प्रेमी चारों ओर प्रेम की सुगंध बना देते हैं, और प्रेम बस पल्लवी सी प्रेमिका को पाने राम सागर को पान से दुबंद बना देते हैं। प्रेम वश पल्लवी सी प्रेयसी को पाने राम सागर को बांध सेतु बंद बना जाती है। मेरे कन्हैया ने अद्भुत प्रेम किया। एक और प्रेम का उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। सर मैं कहता हूं कि गज ग्राह युद्ध में जो गज हार के पुकारे गज को बचाने प्रभु स्वयं चले आते हैं, और त्याग देते रस भरे पकवान कौरवों के, सूखी साग रोटी घर पितुर के खाते हैं, तंबियों के दंभ का दमन करने के हेतु गिर दर दर अवतार चले आते हैं, और प्रेम करना काना करते ऐसे कि राजा होके पारथ का रथ हाँक जाते हैं। प्रेम प्रेम राजा होके पारथ का रथ हाँक जाते हैं। कहना चाहता है आज इस चंबल के नौजवान ने सिद्ध कर दिया कि हम केवल डाका नहीं डालते, हम दिल भी लूटते हैं। बार बार अपने बेटे के सम्मान में ये भाई सब आवारा कहने की बड़ा से नहीं, हमें पता था, पिताजी ने बता दिया था कि इसका ऐसे होता है, क्योंकि सुबह फिर पिताजी हम तो बड़ा से निकालेंगे, इसलिए वो निकाल रहे हैं। भारत के सबलगढ़ में मैंने देखा है कि छोटे छोटे कक्षा छह के और कक्षा सात के लड़के रेस्ट हाउस पर मुझे सिगरेट पीते दिखते हैं, तब ये दिल गवाही नहीं देता कि हम उस भारत के व्यक्ति हैं जो भारत कभी हमने देखा था, जिस भारत की कभी कल्पना की थी। मैं कहता हूँ कि तरुणाई गाती रही मुन्नी सीला वाले गीत, माता भारती का ये गान कौन करेगा। तरुणाई गाती रही मुन्नी सीला वाले गीत, माता भारती का ये गान कौन करेगा। हम भारतीय यदि स्वार्थ में जिएंगे तो दधीची सी हड्डियों का दान कौन करेगा। हम भारतीय यदि स्वार्थ में जिएंगे तो दधीची सी हड्डियों का दान कौन करेगा। झूठे अदाकारों को ही मानते रहेंगे हीरो, बॉलीवुड टॉलीवुड नॉलीवुड हॉलीवुड ये सब के सब जंग लगी लगाई बुढ़ है सर। कि तरुण आई गाती रही मुन्नी शीला बाले गीत, माता भारती का यश गान कौन करेगा। हम भारतीय यदि स्वार्थ में जिएंगे तो दधीची सी हड्डियों का दान कौन करेगा। और झूठे अदाकारों को ही मानते रहेंगे हीरो, सैनिकों पे कहो अभिमान कौन करेगा। और नौजवान यदि पीने लगेंगे नशीले पे, रणक्षेत्र मध्य रक्तपान कौन करेगा। नौजवान यदि पीने लगेंगे नशीले पे, रणक्षेत्र मध्य रक्तपान कौन करेगा। बहुत अच्छे हैं। ये आंधी है, आंधी तूफान, अब देखो आप। मैंने एक नशा भी बताया सर, यदि युवाओं को नशा करना है तो कीजिए, अब हम किस तरह की आवारा है सुन लीजिए। आज आवारा की बड़ा सरकल है कि भारत को हमलों के जाल में फंसाने वाला हर बार फांसी वाले फंदों में ही फंसा है। मुष्टिका प्रहार कर मुख टेढ़ा कर डाला,
बस्तियों पे हंसा है। सीमा पर जाकर के सीमा रक्षकों को देखो, हर ओर हृदयों में हिंदुस्तान बसा है। जिसके नशे में मस्त नौजवान जान देते, सबसे नसीला नशा तिरंगे का नशा। जिसके नशे में मस्त नौजवान जान देते, सबसे नसीला नशा तिरंगे का नशा है। मैंने लिखा सर, कन्हैया को प्रेम का प्रतीक तो बता लिया, कन्हैया को प्रेम का प्रतीक तो बता लिया, लेकिन एक चीज भूल गए कि जिस दिन जब जब उन्होंने बंसी बजाई थी तो मेरे योगेश्वर कृष्ण ने चक्कर भी उठाया था। मैं कहता हूं कि स्वरता बढ़ाने हेतु पारथ के सारथी का हर एक शब्द शब्द सर बन जाता है। का एक जुगनू भी कभी प्रखर प्रकाश है। स्वरता बढ़ाने हेतु पारथ के सारथी का हर एक शब्द शब्द सर बन जाता है। एक जुगनू भी कभी प्रखर प्रकाश हेतु तिमिर विनाशी दिन कर बन जाता है। सामने खड़ा प्रश्न जानकी की रक्षा हेतु बलिदानी जटायु का पर बन जाता है। कंच शिशुपाल काल यवनों के बदे हेतु बांसुरी पजैया चक्रधर बन जाता है। बांसुरी पजैया चक्रधर बन जाता है। मैंने लिखा जिंदाबाद जिंदाबाद। बांसुरी पजैया चक्रधर बन जाता है। अब तुझे माला पहनने की जरूरत नहीं रहेगी। पिताजी अगर सुन रहे हैं तो आप मेरे साथ मेरा स्वीकार करें। इसकी माला का रूप दिया गया। एक बार जोरदार तालियां भैया लेंगे। बहुत अच्छा। पिताजी से कह देंगे इसी फोटो को भेजें। भले ही सकल नहीं देखा वो जो पढ़ेंगे, लेकिन बस यही है कि डॉक्टर साहब ने पेमेंट कर दिया और इंजेक्शन का दर्द साधारण दर्द से ज्यादा होता है। आप तो कब ठोकते हैं पेमेंट की बड़ा से निकाल लेंगे। हमने लिखा है एक संकल्प के साथ अपनी अंतिम दो छंद और उसके बाद जिनको हम सुनने के लिए इतनी देर से बैठे उनकी प्रस्तुति। मैं आपके शहर का हूँ, कभी भी सम्मेलन हो सकता है। मैं छंद रखता हूँ कि भारत मेरे साथ एक संकल्प कीजिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि भारत ही भारत का गुणगान होगा। यह विश्व को नवीन एवं रथ पढ़वाएंगे और आतताई कौरवों के दल दम्ब नाश हेतु फिर एक नया महाभारत रचाएंगे। चीन पाकिस्तान व जहान देख लेगा हमें, दुनिया को हम बाहुबल दिखलाएंगे। खंड 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 जोड़ करके अखंड विश्व गुरु भारत को फिर से बनाएंगे। खंड 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 जोड़ करके अखंड विश्व गुरु भारत को फिर से दिखाएंगे। अभी हमारे दिलों में हो के नहीं हो, लेकिन 56 इंच की छाती हमारी छाती में कब होगी। अंतिम छंद अपना स्थान जिनको सुनने आए हैं उनके लिए। भारत के भीतर ही भारत विरोधी होंगे, भारत में यह सब सह नहीं पाएंगे। सैनिक चलेंगे जब शत्रु को मिटाने हेतु, सिंहों के समक्ष शत्रु पानी मांग जाएंगे। और चोटी वाला टोपी वाला तीर तलवार वाला दाढ़ी वाले संग बंदे मातरम गाएंगे। और 56 की छाती उस दिन छातियों में होगी। लाहौर में लाडला तिरंगा लहराएंगे, लाहौर में लाडला तिरंगा लहराएंगे।